DPS Senior Secondary School Tabiji lekar aaye hain online classes from pre-nursery to class 12. 50% discount on girls' fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. हम पश्चिम बंगाल के हैं, अजमेर में आए थे हम लोग, यहीं मजदूरी करते थे। इन यहाँ हमारे को बहुत परेशानी हो रहा, खाने पीने का बहुत दिक्कत है, कोई साधन नहीं है हमारे पास। बाकी ऐसा दिक्कत आ गया कि पैसे तक नहीं है हमारे पास, जाने आने का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर हमारे को दो बार बुलाया पटेल मैदान के अंदर, दोनों बार वापस गए। एक बार परसों के अंदर फिर बुलाया तो हमारे को सील लगा के भी वापस कर दिया। हमारे को छोटे छोटे बच्चे सब है हमारे साथ में, और अभी फिर आज फिर तीन दफ़े आए हम लोग। कोई खबर वबर फिर पेपर देख के हम लोग आए कल, आज पश्चिम बंगाल की गाड़ी है रात को। और यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी धूप में बैठे, कोई कुछ भी नहीं है अभी तक। पानी का एक टैंकर लगा हुआ है दूर में, वहाँ खड़ी है। बाकी कोई सुविधा, कोई पुलिस वाला, कोई ऐसी कोई बात की तरफ से कुछ आपको खाद्य सामग्री कोई कुछ नहीं है अभी तक, तो कुछ मिला नहीं है। बाकी इनके ऊपर देखते हैं क्या करते प्रशासन। बाकी कितने लोग बाग होंगे लगभग यहाँ पे? लोग बाग होंगे कम से कम 1000 के आसपास होंगे अभी जो बैठे हैं। सभी को परेशानी आ रही है? अभी हमारे को तो कम से कम जिस मकान में हम रहते हैं वहाँ तो कम से कम 60 जने हैं, वो सबको ही परेशानी है। खाने पीने का बहुत दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। अब जल से अजमेर से आई हूँ, अभी जाऊँगी बंगाल मल्ला जिला। तो अभी सुबह से बैठा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है, और जाने का भी गाड़ी मेरी अभी देखी हूँ अभी तो है ही नहीं। यहाँ अजमेर में क्या करते थे आप? वो खादिम के घर में काम करती थी। और आज यहाँ आए क्या सूचना मिली थी आपको? जाने के लिए, घर जाने के लिए। गाँव कहाँ जाना चाहते हैं? मालदा जिला, मालदा बंगाल। ठीक है, आपका नाम? बाबली। कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, व्यवस्था का है कुछ भी व्यवस्था नहीं है अभी। बच्चे वगैरह परेशान? हाँ, बच्चे सब परेशान है, अभी भूखे हैं सब, मतलब परेशान में है अभी। तो कुछ भी व्यवस्था हुए मतलब करा हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ। मदरपुरा से आया, जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी। क्या सूचना मिली थी आपको यहाँ बस हो जाएगी? अभी तो सुबह बोला था 8 बजे ट्रेन है, अभी तो फिर टाइम चेंज कर दिया, अभी बोलता रात को 11:30 बजे। खाने पीने का तो क्या कुछ तो है ही नहीं इधर, क्या खाएगा? कितने लोग हैं? हम लोग हैं 30 आदमी, हम लोग 30 आदमी है। कहाँ जाना चाहते हैं? न्यू जलपाईगुड़ी। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष सरकार। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ बिल्डिंग का काम करते हैं, शटरिंग। अब वो काम बंद हो गया? काम बंद नहीं है, चालू है, लेकिन अभी 2 महीने से 2.5 महीने से बैठा है, अभी घर पे अभी बुला रहा है, घर पे जाना है। ठीक, आपका नाम? अच्छा, हम जाएंगे पश्चिम बंगाल, वो लोंगिया में हम लोग फंस गए थे कम से कम 3-4 महीने से, 2-3-4 महीने से फंस गए लॉकडाउन के पहले से। और क्या, यहाँ हमारा कुछ गया वो दरगाह बाज़ार से सामान चोरी हो गया, आधार कार्ड वगैरह जो है। उसके बाद अपन रहने लगे, जब क्वारंटीन होने लगे ये कोरोना के वजह से लोंगिया में रह गए। लोंगिया में आदमी का रहने वाला जो है पड़ोसी अड़ोसी वो रहने दिया, और हम लोग खाना पीने का जो है उन लोगों का इंतजाम कर दिया था। और क्या, यहाँ सुविधा तो एकदम मिली नहीं रहा, जैसे बोला 4 बजे से आके बैठा हुआ है, जा 5-6 दिन से घूम घूम के जा रहे हैं, बोल रहे पश्चिम बंगाल का कोई जहाँ कोई मतलब रूज नहीं है, मतलब इंसान उठा रहे है गाड़ी में कोई रूज नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नहीं उठा रहे, दूसरे कोई को और उठा के लेके चला जा रहा है। मतलब कितने आदमी होंगे अभी यहाँ? कम से कम नहीं तीन तो 500-600 आदमी तो है। सब परेशान हो रहा है, खाना पीना है नहीं। सब बोला सुबह आके, बोला कोई डॉक्टर, मतलब सारे पुलिस वाले, राजस्थान पुलिस वाले ने बोला 5 बजे अभी चले जाओ, 5 बजे तक, 5 बजे यहाँ होगा रजिस्ट्रेशन, 5 बजे आ जाना। सब तो यहाँ खाने, मतलब क्या, जिसके पास पैसा नहीं है वो खाने पीने वाला है ही नहीं, तो यहाँ बैठ गया, अभी भूखे मर रहा, कोई धूप में सड़ रहा है, कोई गल रहा है। आपका नाम? शमशुद्दीन मुल्ला।